نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी गुफ्तगू का आगाज जो मैं करने वाला था उसको मैं बाद में शुरू करूंगा, मगर सबसे पहले जो मैंने ये महसूस किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते और ऐ ईमान वालों तू भी नबी पर दुरूद भेज। जब अल्लाह कह रहा है उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं और हमें हुक्म मिला है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े लोगों में मुझे किसी भी एक बंदे की सिवाय सफदर शाह साहब के किसी की आवाज़ नहीं है। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। अगर कोई इस दुनिया का नाम होगा यहाँ पे हो, हम उसकी तारीफ में बड़े जोश और जज्बे और बसले से नारे लगाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, मगर रहमतुल आलमीन के ऊपर जब दूर भेजने की बारी आई तो सबकी जबानें खामोश हैं। फरिश्तों का सरदार ختم المرسلین سید المرسلین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس کائنات میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے اوپر جتنے پتے ہیں اگر میں اپنے شمار کرنا چاہوں تو میں شمار کر سکتا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں اس کائنات میں جتنے صحرا ہیں ان صحراؤں میں جتنے ذرے ہیں اگر میں ان ذروں کو شمار کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے سنا، تبسم فرمایا اور خاموش رہے۔ جبریل نے پھر عرض کی، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں اس کائنات میں جتنے پانی ہیں جتنے سمندر ہیں اگر ان کے قطروں کو شمار کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے سماعت فرمایا، تبسم فرمایا، خاموش رہے۔ جبریل نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، جب آپ کا کوئی امتی آپ کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو جو نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں نیکیوں کو شمار کر سکوں، تو کیوں نہ ہم محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور وہ درود پڑھیں جو چشتیوں کے سردار جنہوں نے اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنایا اور ولایت کے درجے پر پہنچے۔ میرے ساتھ مل کر صرف چند مرتبہ اس درود کا ورد کرتے ہیں اور اس محفل کو مزید رونق بخشتے ہیں۔ مل کے پڑھیں: سیدنا Bye.
कोई अंदाजा कर सकता है उसके दोहरे बाजू का? कोई अंदाजा कर सकता है उसके दोहरे बाजू का? निगाहें मरते मोमन से बदल जाती है तकदीरें, बलाए पादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी। ये सब क्या है? ईमान की तफसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पर मौजूद मेरे नहायत वालिद इकराम अब्दुलमान साहब, वक्त बहुत कम है और वक्त यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हर आने वाले को ये खड़े होकर कहना ना पड़े कि हम किसी का बदले करें। मैं इंशाल्लाह अपने वक्त के ऊपर अपनी गुफ्तगू को सुलेट लूँगा। जनाब सैली साहब तशरीफ लाए हैं, रशीद सैली साहब कैलिफोर्निया से और सियासी के खलीफा मजाज मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब बरतानिया से तशरीफ लाए हैं, शहन शाह खिलाफत सैयद सैलाब मुस्तफ़ा साहब हैं, अंजुमन गौसिया के रूह रवान सैयद सदर शाह साहब मौजूद हैं, सैली शाह साहब मौजूद हैं, मोहम्मद सैयद सियाली साहब पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं और एक दो दिन साल करते साहे और नौजवान मस्जिद स्कॉलर प्रोफेसर मोहम्मद शहबाज चिश्ती साहेब कारी यूनुस साहेब अल्लाह खान इलहान खान। मैंने आप और आपके सामने कोने पार्टी में उत्सव आए तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। वो ये मेरा पहला मौका है कि मैं इस मस्जिद में स्टेज के ऊपर खड़े होकर किसी अल्लाह के बंदे याद में गुफ्तगू कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझे हर बात कहने की तौफीक भी अता फरमाए और उस मुद्दे को अमल के उस पर सुना था मुझे खुद भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सब ये लम्हा मेरे लिए और आप सब के लिए बड़े ही रूपांतर हैं कि हम आज अल्लाह के उस बंदे जिसके बारे में शायद इमाम इकबाल ने फरमाया था फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मेरी मुराद ख्वाजा फाजवान हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में हम अपने गुरु अजहान को मुअत्तर कर रहे हैं और अपनी आखिरत का सम्मान पैदा कर रहे हैं। सामीन इकराम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आज आप देखें हर सूबे में कई शेखुल इस्लाम हैं, हर जिले में कई शेखुल इस्लाम हैं, हर मकबे फिक्र में कई शेखुल इस्लाम हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं उस शेखुल इस्लाम की जो खैबर से लेकर कराची तक अगर नाम लिया जाए शेखुल इस्लाम का तो सबके दिलों में एक ही तसव्वुर आता था, शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी। और ख्वाजा और मैं बात कर रहा हूं उस ख्वाजा की जो बल्ले सगीर के मुसलमानों का अल्लाह का एक अजीम इनाम और फितरत का एक अजीम एजाज था। मैं बात कर रहा हूं उस ख्वाजा की जो नरम हुए गुफ्तगू और गर्म हुए जिस्म था। मैं बात कर रहा हूं उस ख्वाजा की जो नामूस-ए रिसालत का फिदाई था और अज़मत-ए मुस्तफा का निजाम-ए मुस्तफा का शदाई था। मैं बात कर रहा हूं की जो बोलिया नशीनी में अदाब सुल्तानी से अदा था और जो इज्जो इंतजारी की तस्वीर थी। मैं बात कर रहा हूं उस ख्वाजा की जो आसमान पर बदकर तसव्वुफ का दरक्षिंदा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं उस ख्वाजा की जो साहिब ईमान के लिए वजह सब अल्लाह 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 अल्लाह
हजरत ख्वाजा कामरुद्दीन सियालकोट रहमतुल्लाह अलैह का जिंदगी का एक ही मकसद था कि मुसलमानों के कुलूब अजहान में इश्क़े इलाही की वो शमा रोशनी की जाए और मोहब्बत मुस्तफा की अलग नहीं कर सकता। अरे तकबीर, अल्लाह हू अकबर।
उस वक्त भी इन खानकाहों दरगाहों में बैठने वाले अल्लाह वालों की जरूरत थी, और आज एक वक्त फिर है इस मुल्क को बचाने के लिए इन खानकाहों में बैठने वालों को फिर मैदान में उतरना होगा। और मैं ये बात बड़े फख्र से ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगले आने वाले इंतखाबात में गो हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह अलैह की सेहत की इजाजत नहीं दे रही कि आप इलेक्शन में आए, मगर इस मुल्क की तालमीत को बचाने के लिए हजूर ख्वाजा साहेब अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे, और पीर मोहम्मद अमीर उस्ताद शाह साहेब भी इस मैदान में आ रहे हैं, और हल्का अहले 64 से इंशाअल्लाह कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, और इकतदार के ऐवानों तक ये बात पहुंचाएंगे कि जिन लोगों ने इस मुल्क को माल के वजूद में लाने के लिए अपना किरदार अदा किया था, आज वो इस मुल्क को बचाने के लिए दीवानों में पहुंच चुके हैं। मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, और इस पैगाम के साथ ये मेरा पैगाम आप जरूर लेकर जाएं कि ये महफिल जारी है, जारी रहेगी, रात देर तक जारी रहेगी, लंगर भी होगा, लेकिन सुबह की नमाज किसी ने नहीं भूली। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, अज़ीम मालिक कायनात मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया करो। जबरील अलैहिस्सलाम ने दो रकात नमाज की नीयत बांधी। 40,000 साल के बाद अल्लाह की इबादत इस खुशू और खुशू के साथ की कि 40,000 सलाम के बाद सलाम फेरा। जब सलाम फेर चुका अल्लाह ने कहा जिब्रील एक वक्त आएगा, एक उम्मत आएगी, अगर उस उम्मत के लोग सुबह की नमाज की दो सुन्नत अदा करेंगे तो उन्हें 40,000 सालों की बात का सवाल मिलेगा। प्रोग्राम में भी बैठे मगर सुबह की नमाज अगर वक्त ना भी हो तो जागते हैं, तो सुबह की नमाज पढ़ सकते हैं।